चुनाव आयोग ने झारखंड चुनाव की घोषणा कर दी है, जिसके बाद राज्य में 25 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। नामांकन के आखिरी दिन से पहले राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ उनके समर्थक भी मौजूद रहे। देखिए, चुनाव के प्रक्रिया को हम पर्चा भरने की जो प्रक्रिया है वो हमने आज अपना पूरा किया है। अब बरहेट विधानसभा ये पूरे या पूरे राज्य के विधानसभा में अलग अलग चरण में चुनाव हो रहे हैं, दो चरणों में इस राज्य में चुनाव हो रहे हैं और उसके तहत सभी प्रत्याशी भर रहे हैं। आज हमने फिर से अपना पर्चा भरा है और ये तो चुनावी प्रक्रिया है, ये तो पूरा करना ही है। दादा, असम के सीएम भी यहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं और कहते हैं झारखंड के हिंदुओं को एक होना होगा और वो कहते हैं बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाएंगे, इस तरह की कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने देखिए मुख्यमंत्री जी ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के पूरे देश के जितने भी इनके ताकतवर तथाकथित उनके पार्टी में सभी लोग यहाँ हैं और ये कुछ दिनों के लिए आए हैं, उसके बाद फिर इनको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, वो अपनी अपने अपने कामों में लगे हैं और हम अपने कामों में लगे हैं। दादा, शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन दाना साइक्लोन से भी ज्यादा खतरनाक है झारखंड में। अरे यार, इनके इतने हजारों यहाँ नेता आके गिरे पड़े हैं, क्या मैं उनके सवालों का जवाब देने के लिए ठेका ले रखा है क्या?